माय गॉड, कितना तेज भाग रहा है ये बंदा। ये क्या कर रहा है ये बंदा? भाई ये बंदा कम से कम 1,00,000 ब्लॉक ऊपर जंप मार रहा है यार, निकलो यहाँ से। Hey, how's it going everyone? My name is Marip और बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे हिमलैंड्स के वर्ल्ड में। एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें मेरे अलावा मेरे 3 दोस्त और खेलते हैं, ड्रीम बॉय, SGO एंड मिस्टर फलाना जी। एंड गाइस, लास्ट एपिसोड में हमारे साथ कुछ बहुत ही अजीब सी चीज हुई थी इस वर्ल्ड के अंदर। एक ऐसा अजीब सा प्राणी हमारे पीछे पड़ गया था जो कि हमारे सर्वर के ऊपर दिख रहा था मेरी आंखों के सामने, बट एक्चुअली मेरा सर्वर उसको रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। एंड उस बंदे का नाम था होगा लाला। अब मुझे पता है तुम्हें जो नए लोग है वो सोच रहे होंगे कि भाई ये कितना अजीब सा नाम है, बट ट्रस्ट मी, जब ये बंदा मेरे पीछे पड़ा बिना आर्मर के, ये बंदा मुझे इतने बुरे तरीके से पेल रहा था ना, लिटरली बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को, और ना ही ये बंदा मर रहा था, बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स थी इसके पास। एंड गाइस, लास्ट एपिसोड खत्म होते होते हम लोग एक वॉल्केनो के पास पहुंचे थे। SGO को इस होगा लाला ने गाइस इस वॉल्केनो के अंदर ऐसे उछाल के फेंका मेरी आंखों के सामने। एंड गाइस, अब SGO इस वर्ल्ड के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। एंड जो मिस्टर फलाना जी है वो उससे भी पिछले एपिसोड में गाइस गलती से मेरे हाथों मर गए, एंड वो इस वर्ल्ड के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। मींस अब मैं और ड्रीम बॉय 2 बंदे बचे इस वर्ल्ड के अंदर। एंड सीरियसली मैं तुम लोगों को बता रहा गाइस, मैं पिछले 2 से 3 मिनट से लेकर ना इस लश केव के अंदर कहीं ना कहीं फंसा हुआ हूं, और मैं इस ड्रीम बॉय को ना ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई हैव नो आइडिया बंदा कहां पर है। यहां देखो ऊपर सर्वर के अंदर ये बंदा अवेलेबल है, ड्रीम बॉय एंड यस स्मार्टी पाई, बट भाई ना ही ये बंदा मेरी आवाजें सुन रहा है, ना ही ये बंदा मेरे यहाँ पे टैक्स का रिप्लाई कर रहा है सर्वर के ऊपर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई ये ड्रीम बॉय कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया होगा गाइस। हो सकता है कहीं होगा लाला ने इसको पकड़ लिया। नहीं, यही चीजें कर रहा होगा लाला गाइस। लास्ट एपिसोड में उसने यही किया था। नो, कौन मारा है मेरे को? मैं तुम लोगों को बोला था यार ये होगा लाला गाइस इस गुफा के अंदर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है बंदा। प्रो मैं मरने वाला, मैं मर गया ना तो यहाँ पर अभी लग जाएंगे मेरे, मैं भी रिस्पॉन्ड नहीं पाऊंगा इस वर्ल्ड के अंदर। गया मैं अभी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे अपनी हेल्थ अपनी रिस्टोर कर दिया। ब्रो अगर ये 2 सेकंड पहले आ जाते ना छोटे ज़ॉम्बीज ना, तो भाई साहब मेरे लग गए थे अभी सच्ची में। यार भाई अभी कुछ हो जाए ना, इस केव से बाहर निकलना पड़ेगा, बढ़िया सी एग्जिट ढूंढते हैं। अरे ये क्या है भाई साहब? अरे कहां से आ रहे छोटे इतने सारे? नो वेस भाई, तुम लोग भी क्या इसी की सेना के मेंबर हो क्या? है होगा लाला की, बड़े वालों से मेरे को डर नहीं लगता, छोटे वालों से मेरे को डर लगता है बहुत ज्यादा। एक सेकंड मेरे को जल्दी खाना खाने नहीं। गाइस मैं तुम लोग को पहले बता रहा हूं, अगर इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी मरता वो रिस्पॉन्ड नहीं होता है। भाई साहब इतने बच्चे कौन पैदा कर रही है? इनकी ऐसी की तैसी, भागिया से नहीं, रुको एक सेकंड रुको, ऐसे करके ना मैं मर जाऊंगा। आ जाओ तुम। ओ माय गॉड, यहां से भी मेरे को टच कर पा रहे भाई ये लोग दीवार के थ्रू कैसे टच करे? मायावी बच्चे भाई ये लोग, नहीं सच्ची में। ओ माय गॉड, 50 से कम यहां पे। ओके आ जा बच्चे, तेरे को मैं अभी रुलाता हूँ यहाँ पे। आ जा। ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है यार, ये जो हमारा होगा लाला ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ये लोग कैसे इनको स्पॉन करवा रहे हैं मेरे को तो भाई पता नहीं है। अगर गलती से कैसे अभी वो आ गया ना इस गुफा में मेरे पीछे, तो लिटरली बता रहा हूँ तुम लोगों को मेरी जो बैंड बजने वाली है ना, सीरियसली मैन। और मैं अपने हाथ में शील्ड को भी नहीं उठा सकता, अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा। लास्ट टाइम पे जो होगा लाला है ना, ये बंदा ना भाई साहब इतने मायावी काम कर रहा था ना, मेरे को किसी चीज से उड़ा के फेंक रहा था, एंड देन उसके बाद अपने पास टीपी बैक कर रहा था मेरे को। भाई ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है, मैं भाई इस गुफा से बाहर निकल रहा हूं। घुस गया, व्हाट द हेक इज दिस? अबे ये क्या चीज है नीचे? हेलो, ये केव स्पाइडर के ऊपर यहाँ पे स्केलेटन है। एक सेकंड रुको, मैं नीचे आके देखना चाहता हूँ। हेलो, अरे ऊपर आ गए। ओके मैं गया, आई एम डेड अभी। ये केव स्पाइडर के ऊपर विदर स्केलेटन बैठे हुए हैं, पर ये मेरे पीछे नहीं पड़े भाई ये। ब्रो ये बहुत ज्यादा स्केरी है। चले नहीं, मैं गया, आई एम डेड अभी, आई एम डेड लिटरली। ओ माय गॉड, शिट, लग गए मेरे लग चुके यहां पे। ब्रो आई स्वेयर गाइस, मैंने पहली बार देखा आज माइनक्राफ्ट के अंदर कि ऐसी भी कोई चीज होती है। नहीं रुक जा, ओ माय गॉड, केव स्पाइडर भाग जाए ऐसे।
तेरा कोई काम नहीं है भाई साहब, भीतर स्केलेटन बैठे हुए हैं इसके ऊपर गाइस। हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल भाई, कितनी मायावी चीज है ये, मेरे को यकीन नहीं हो रहा इस बात के ऊपर। इनको पेलना पड़ेगा भाई, वरना भी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। चल 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 बेटे बेटे निकल जा, निकल जा यहाँ से, मेरे पास आइयो भी मत तू, समझे। मेरे को ना केव स्पाइडर से डर नहीं लग रहा है, मेरे को इन विदर स्केलेटन से डर लग रहा है। ओ माय गॉड भाई, कहां से आ रहे हैं लोग? ओ भाई गाइस, इनकी तो स्पीड बहुत ज्यादा है। नो 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 नो। ओ माय गॉड गाइस, मेरे को तो भागना पड़ेगा यहाँ से। भाई ड्रीम बॉय कहां पर है? भाई बैठा हुआ है यार, वीसी बैठा हुआ है बंदा, पर मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहा है। ओ माय गॉड, ओके भाई, मेरे पास इतना आर्मर स्ट्रांग नहीं है कि मैं विदर स्केलेटन के साथ लड़ पाऊं। हाँ केव स्पाइडर तभी चलेगी। चल बेटा आजा आजा, आखिरी बच्ची भाग यहाँ से। एंड गाइस आई एम आउट ऑफ दिस प्लेस, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ओह माय गॉड, अभी नीचे भाई, बंद करो, बंद करो इस जगह को भाई साहब। मुझे नहीं पता कि एग्जिट कहाँ है हमारी, बट मैं क्या करने वाला हूँ, अपने पुराने टैक्टिक का इस्तेमाल करके दीवार में छेद करके ऊपर के लिए निकलने वाला हूँ मैं, और पीछे के लिए बंद करके लेट्स गो। फाइनली वी आर आउटसाइड। ओह माय गॉड भाई, मैं तुम लोगों को बताया था ना गाइस, ये होगा लाला भाई, ये बहुत ही खतरनाक एंटिटी है भाई, ये जो भी है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ओह माय भाई, मुझे क्या ही दिख रहा है ये, मुझे क्या ही दिख रहा है भाई जिंदगी में। भाई मेरे को एक बहुत ही अजीब सा इग्लू मिला भी यहाँ पे सीरियसली, जो कि आधा हवा में बिल्ड है और आधा नीचे से गायब है। भाई इसके नीचे जाकर क्या मुझे चेक करना चाहिए? ओ माई गॉड, ये वही वाला जिसके नीचे हम लोगों को वो विलेजर मिलता है। मैं तो भाई निकल रहा हूँ यहाँ से भाई, नीचे उस विलेजर की जगह पता नहीं होगा लाला मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई, चलो यहाँ से। बट एक सेकंड यार गाइस, अरे वहां से नीचे एक विलेजर होगा, वहां पर मेरे को गोल्डन एप्पल भी मिल सकता है। आज होगा लाला से फाइट होती है ना, तो एक एक गोल्डन एप्पल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नीचे जा रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। जय माता दी, जो भी होगा भाई देखा जाएगा, लेट्स गो। मैं तुम लोग को सच्ची बता रहा हूँ, मैं आज तक यहाँ से नीचे गया नहीं हूँ, और जिस तरीके से एंट्रेंस खुली हुई है ना, मुझे तो डर ही लग रहा है। Let's go and see what the heck, bro, ये क्या सीन है? Villager यहाँ पे है नहीं है? Oh yes, यहाँ पे देखो golden apple पड़ा हुआ, बोला था मैंने तुम लोगों को। और मेरे को यहाँ पे villager की आवाज सुनाई दे रही है। कहाँ है villager? Hello, हाँ मुझे होगा लाल जी बैठा हुआ था villager के साथ। Guys, I swear तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मुझे नहीं पता भाई। होगा लाल, oh my god, गॉड, निकल यहाँ से, इस एंट्रेंस को बंद करो, चल यहाँ से भाई। ओ माय गॉड, अब वो विलेजर था, वो ड्रीम बॉय तो नहीं था नीचे कहीं बैठा हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो ना विलेजर ही था, विलेजर की आवाज आ रही थी। इसका मतलब गाइस एक चीज तो पक्की है कि अभी इस वक्त ड्रीम बॉय जहां भी होगा सर्वर पे, वो एक्चुअली सेफ होगा, बैठा हुआ है। देखो गाइस ड्रीम बॉय, मैं सिर्फ सर्वर पे अकेले ब्रो, ये बंदे को कैसे मेरा सर्वर रजिस्टर नहीं कर पा रहा है भाई, इतना हाई क्वालिटी सर्वर है मेरा, आई हैव नो आइडिया। बट अगर होगा लाला मेरे पीछे गाइस, तो हो सकता है कि ड्रीम बॉय इस सर्वर के ऊपर एकदम सेफ हो। मेरे को उसको एक बार ढूंढना पड़ेगा, देखो मेरे घर के पास वाला विलेज वो रहा, लेट्स गो। मुझे ड्रीम बॉय को ढूंढना पड़ेगा, मेरे को अब टेंशन हो रही है, बिकॉज अगर गाइस ड्रीम बॉय मर गया मैं अकेला बच जाऊंगा, और फिर गाइस बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सीरियसली बता रहा हूँ। अकेला सर्वाइव करना इज लाइक बहुत ज्यादा मुश्किल। आप एक आयरन गोलम है, अभी वहां पे ड्रीम बॉय खड़ा है। व्हाट ड्रीम बॉय, हेलो, अरे भाई मुंडी झुका के क्यों खड़ा है ये बंदा? एक सेकंड रुको, हेलो भाई, इसकी आंखें देखना तो मेरे को सबसे पहले, अगर इसकी आंखों में गड़बड़ हुई ना तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। नहीं एकदम नॉर्मल है बंदा। हेलो ड्रीम बॉय, रुक रुक शॉट मार तो भाई, बैठा हुआ है यहाँ पर ये बंदा। ओ माय गॉड भाई, इस बंदे का यहाँ पे वशीकरण तो नहीं कर दिया इसने फिर से, ये क्या मजाक है? हेलो ड्रीम बॉय, ओ भाई हेलो, हेलो हेलो स्मार्टी भाई, स्मार्टी भाई हेलो। अरे कर क्या रहे हो आप ये? आप थे किधर? मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रहा था पता है? एक बात बता, आप यहाँ पे मुंडी नीचे करके क्या कर रहे थे? मैं कितना डर गया था पता है आपको अभी है? अरे मैं बस थोड़ी देर के लिए एएफके था, मेरे पापा जी आ गए थे। यार ये बंदा कितना पागल है यार। ब्रो आप एक ऐसे सर्वर पे हो जहाँ पर होगा लाला नाम का एक बंदा घूम रहा है, एक दरिंदा खूनी, और वहाँ पे एएफके करके यहाँ बैठे हो, वो भी खुले में, घर के अंदर नहीं जा सकते थे, कितना खतरा है भाई। ये बात तो सही है, ये सोचा ही नहीं मैंने, पर आपको पता है मेरे पीछे होगा लाला पड़ा था। कब? अरे भाई कब? आप जब छोड़ के भाग गए थे मेरे को केव में। अरे यार मैं भाई गॉड, मैं आपको ना कब से लेकर आवाज लगा रहा था। एंड सुनो ड्रीम बॉय, भगवान कसम खा रहा हूँ मेरे पीछे जस्ट अभी होगा लाला पड़ा है यहाँ पर। आई देखो अभी हम लोग अभी जस्ट यहाँ पर एक अजीब सा इग्लू था, कुछ मतलब एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब कि ऐसा एक ग्लिची टाइप स्ट्रक्चर, उसके अंदर विलेजर के साथ पता नहीं क्या कर रहा था वो बंदा। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो ना विलेजर के ऊपर लाइक ऐसा वशीकरण टाइप कुछ कर रहा था, विलेजर भी उसके साथ घुमा हुआ था और वो विलेजर को देख रहा था, एंड आई हैव नो आइडिया वो क्या कर रहा था उसके साथ।
भाई वो बहुत मायावी बंदा है, उसने पता है एक हिट मारा और मैं 50 ब्लॉक दूर उड़ा। उसका टीपी तो नहीं किया उसने आपको? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया उसने भाई, मेरे को तो 50 ब्लॉक करके ना टीपी। भाई सच में ले रहो, भागो यहाँ से, पहले हम लोगों ने यहाँ से इस बायम से निकलना पड़ेगा। और आपको एक बात बताऊं मैं, आप इतने बड़े पागल हो, जहाँ पर आप खड़े थे ना वहाँ से ज्यादा 150 ब्लॉक दूर था वो अभी होगा लाला, भगवान कसम से भागो यहाँ से, जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। भाई मेरे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। पता है मेरे को होगा लाला के बारे में एक बहुत ही भयंकर सीक्रेट पता चला है, बहुत खतरनाक। सुनो आप मेरे को अपना सीक्रेट बताना, हम लोग एक जगह पर बैठ के बात करेंगे, मैं बैठ नहीं सकता ठीक है ना, लेट्स गो, जितना दूर निकल सकते निकलना पड़ेगा हमको यहाँ पर अभी, चलो यहाँ से जल्दी, चलो जल्दी फटाफट। स्मार्टी भाई इधर आओ, क्या यू विल डाई, व्हाट, ये देखो मेरे को क्या मिला है, इधर आओ, मेरे को फेंको इसको, जल्दी फेंको, जल्दी फेंको भाई, टाइम नहीं भाई, डर लग रहा है। ये देखो यू विल डाई भाई, इसको वापस आ लो वहां पे, हमने नहीं पढ़ाई है, मैंने नहीं पढ़ा भाई, चलने वाला भाई, भागो इधर से जल्दी भागो, अरे भाई छोड़ के आ गया बंदा यार, पागल परवाएगा यार, चलो यार भाग लो भाग लो। आपको किसने बोला भाई इसको खोलने के लिए, यार मत खोला करो भाई ऐसी से। अरे भाई रूइन चेस्ट है, मेरे को लगा लूट होगी। अब आपने डरा दिया मेरे को सीरियसली मैन, क्योंकि अगर हम लोग मर गए ना ड्रीम बॉय, हम लोग रिस्पॉन नहीं हो पाएंगे यार, मेरे को नहीं मरना है ब्रो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बचाने की भाई, मैं मरते मरते बचाऊं पता है भाई आपको? मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा बचाने की, लेकिन बाकी आपके ऊपर है भाई ठीक है ना, थोड़ा सा प्रोनेस आपको दिखानी पड़ेगी, लगता है मेरे को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ब्रो। ठीक है भाई पूरी मदद करना, मैं भी आपके फुल सपोर्ट दूंगा, जिस भी चीज में हेल्प चाहिए होगी सब दूंगा। और एक बात बताओ अभी हम निकल किधर रहे हैं? भाई अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे हिमलैंड। हाँ सुनो आपको एक बात बोलनी थी मैंने यार, आपको याद है ना लास्ट टाइम पे एसजीओ ने क्या बोला था, जहां पर भी इस वर्ल्ड के अंदर हमारी कोई प्रेशियस चीज मर रही है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में वो मरा था फलाना जी, तो फलाना जी के नीचे जहां पर मरा था उसको एक हिंट मिला था राइट, और आपका वो जो फेवरेट नेदरराइट का आर्मर था, आपने जहां पर भी डिस्पॉन कराया था वहां पर आपको एक हिंट मिला था राइट, वो कैक्टस, हां मेरा प्यारा कैक्टस। तो वैसे अभी मैं ये चीज सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी ऐसी क्या प्यारी चीज मरी वहां पर, मुझे कुछ ना कुछ हिंट मिल सकता है जिस हिंट के थ्रू हम लोग यू नो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये सच हो सकता है क्या, ये आपके हिसाब से? पक्का 100% यही है भाई, मेरे को तो यही लगता है बिल्कुल 100%। चलो फिर यहां से, पर ये बताओ आपकी ये प्यारी चीज क्या हो सकती है, आपके सारे जानवर घोड़े जितने थे वो सब तो सेफ है हमारे पास, हमने रखे थे सेफ। मेरा घोस्ट जिसको फलाना जी ने वशीकरण किया था, याद है मैं आप लोगों के इल्जाम डाल रहा था, मेरा हाईची ने मारा था उसको। अरे भाई यस, चलो 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 चलो, यस यस यस, वही है। एंड अभी फिलहाल हम लोग उस आइस बायोम से बाहर आ गए ना, एक सेकंड को भाई मुझे ना कुछ अलग ही चीज दिख रही है, ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं यार, ये देखो यहाँ पे आइस के क्यूब्स कैसे आ सकते हैं पानी के नीचे, ये आइस बायोम भी नहीं है ये वाली यार, तो यार कुछ ये वो हिमलैंड नहीं रहा है, अब ये हिमलैंड बदल, ये देखो इधर भी है, क्या है इधर देखो भाई निकले यहाँ से, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी बंदे ने इस पानी के ऊपर कदम रखा और ये आइस में कन्वर्ट हो गया है ना, निकलो यहाँ से भाई। ड्रीमर जितना जल्दी हो सकता है मेरे को और आपको ना इस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे आप में से कोई भी मरा आप ये रख दो कि लग गया हमारा, वहां पर एक और रूइंड पोर्टल है उसको प्लीज मत खोलना, उसके अंदर कुछ ना कुछ और लिखा होगा, मत खोलना प्लीज। ठीक है इधर से निकलो फटाफट। और गाइस फाइनली हम लोग अपने इंग्लैंड्स के पास पहुंचने वाले, कहां है ड्रीम बॉय? अरे पास रहो भाई, ब्रो जब तक मैं और आप साथ रहेंगे ना एक दूसरे के, तब तक हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको और आप मेरे को, जैसे ही आप बिछड़े होगा लाला आपको ठोक सकता है, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई। और एक बार ठोक गए ना, आपको बताए एक बार हमें से कोई एक भी मरता है तो मतलब लिटरली उसके बाद हम लोग स्पॉन नहीं हो पाएंगे, उसके बाद तो सिस्टम ही हैंग हो जाएगा पूरा, तब पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा और हम लोगों के लग जाएगा। ऐसा करा सबसे पहले मेन गेट जाओ, उसको खोलो जल्दी फटाफट खोलो उसको। अरे पर मेरे को कोड नहीं पता भाई। अरे यार आप एसजीओ फलाना जी के साथ रहते हैं, आपको कोड कॉम्बिनेशन पता नहीं है क्या? ठीक है मेरे को कॉन्फिगर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ क्योंकि मैं लगा ना भाई, अभी अगर मैं लगा करने तो भाई साहब यहाँ पे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा मेरे को, और फिर होगा लाला आ गया तो फिर मैं और आप गए टाटा गुड बाय हो जाएगा इस वर्ल्ड से, फिर मेरे आपको जल्दी करो यस ट्राई करो जितना हार्ड कर सकते हो। ओके ओके ओ खुल गया, चलो जल्दी 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 बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा लेट्स गो, हो गया, ओ माय गॉड बंद हो गया, चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा कुत्ता मरा था मेरे कैसल के अंदर मरा था, मेरे को उससे रिलेटेड आपसे एक भाई इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, अभी नहीं बचेंगे हम, होगा लाला आ गया पक्का, भागो भागो निकलो यहां से, मेरे साथ मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास इधर भागो इधर सेंटर के, व्हाट द हेल, क्या हो रहा है इस वर्ल्ड के अंदर? अभी तो रात हुई थी, ये रात भाई साहब, ड्रीम मेरे पास सुनो मेरे को लग रहा है कि हम लोगों को ना कोई हिंट मिल रही है, आप इधर आओ मेरे पास,
मेन गेट के सामने जाओ, पहले वहां खड़े हो जाओ। मायावी हिंट भाई, देख रहे होगा लाला का सीन कर रहा है वो हमारे साथ। मैं आपको यही बता रहा हूं, ऐसा करो कि इस गेट का ना कोड फिगर आउट करने की कोशिश करो, ठीक है? मैं जा रहा हूं मेरे कैसल के अंदर उस हिंट के लिए, और आपका काम है इस कोड को फिगर आउट करना, कुछ भी हो जाए, ठीक है? खड़े हो जाओ। अभी तो आप कह रहे थे कि यार अकेले अकेले नहीं रहना, और आप अभी छोड़ के जा रहे हो। देख लो, अगर गलती से होगा लाला अंदर आ गया, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं और आप इस कोड को फिगर करते ही रह जाएंगे, हमको मार देगा, चटनी बना देगा, और फिर हमारे इंसान के अंदर कोई स्पॉन नहीं हो पाएगा। अगर आपके सामने आएगा चीखे मारना स्टार्ट कर देना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी करो भाई, 2 मिनट में आना प्लीज, जल्दी। मैं 1 सेकंड में आ जाऊंगा भाई, आप इसको फिगर आउट करो, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना भाई? ओके। और अगर मैंने अपना वीसी ऑफ कर दिया, अब देखो मेरा जो डॉगी मरा था, मुझे याद है यहाँ पर मरा था, एग्जैक्टली यहाँ पर। तो यहाँ पर मरने का मतलब कि इसके नीचे गाइस मुझे यहाँ पर कोई ना कोई हिंट मिल सकता है, ठीक है ना? जैसे कि ड्रीम बॉय और एसजीओ को मिला था कुछ ना कुछ हिंट मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। अब इसके नीचे तो मेरा एक सीक्रेट रूम है, हो सकता है मेरे को डायरेक्ट मेरे सीक्रेट रूम के अंदर ही कुछ मिल जाए। यहाँ से अंदर लेट्स गो एंड चेक वन टाइम। नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है मेरे को जाना पड़ेगा मेरे कैसल के डायरेक्ट नीचे, और मैं इसको ना तोड़ के जाने वाला, अभी कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं नीचे के लिए। और मेरे हाथ में जो ये कारपेट आया हुआ भाई, इस कारपेट को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, बिकॉज मुझे मेरी इन्वेंट्री खाली चाहिए। बहुत ही कबाड़ भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा कबाड़ भरा हुआ भाई मैंने। एंड अभी यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री में कबाड़ के लिए कोई जगह नहीं है, लिटरली मैन। और लेट्स गो डाउन। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, यहाँ पे लिटरली बहुत ज्यादा अंधेरा है भाई। मुझे मेरी हिंट कहाँ दिखेगी? देखो यहाँ पर मैंने तोड़ा भी अभी, एंड यहाँ से डायरेक्ट नीचे इधर ही किधर मुझे वो हिंट मिलना चाहिए। वहां पर एक डॉल्फिन तैर रही है। हाँ, मुझे डॉल्फिन मुझे यहाँ पे कोई ना कोई हिंट दे सकती है ना, जितना मुझे याद है। बट उसके लिए मेरे को वो चाहिए होगा, क्या बोलते हैं उसको यार, फिश वगैरह चाहिए होगा। ये कैसी आवाज थी? ओ माय गॉड, वहां पर कुछ तो है, बबल्स क्यों है वहां पे? एक सेकंड रुको, जैसे मैंने इस डॉल्फिन का नाम लिया, वहां पर भाई साहब ये बबल्स कहां से आ गए? वेट अ सेकंड, लेट्स गो। ओ माय गॉड ब्रो, यहां से नीचे एक एंट्रेंस खुली हुई है, मैं जा रहा हूँ। ओके, यहाँ से नीचे कुछ तो है भाई, लेट्स गो डाउन गाइस, लेट्स गो डाउन। व्हाट द हेक, मेरे कैसल के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है ब्रो यहाँ पे तो। व्हाट, अभी वहां पे होगा लाला बना हुआ है, व्हाट द हेक। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो ग्लो इंक वाला क्या है जो भी नाम होता है इस बंदे का यार। गाइस आई स्वेयर ब्रो, मेरे कैसल के नीचे यहाँ पर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है यार, ये बहुत सारा वीर्ड है। वहां पर भी है होगा लाला, एक सेकंड रुको, वो थोड़ा अलग सा होगा लाला लगा मेरे को यार। सेव, क्या लिखा हुआ है? सेव हिम, इसको हमें सेव करना है। एक सेकंड रुको गाइस, देखो मैं तुम लोगों को 100% बोल सकता हूँ ये हमारा होगा लाला है, दैट इज फॉर श्योर। ये मेरे पीछे इतनी बार पड़ चुका है कि भाई मेरे को इसकी शक्ल याद है, बट ये वाला बंदा कौन है फिर? या तो ये होगा लाला या तो कोई और है। देखो इसके नीचे लिखा हुआ है सेव हिम, एंड सेव हिम का मतलब हमें इसे बचाना है। अब ये बंदा तो भाई खुले सांड की तरह मेरे वर्ल्ड के अंदर घूम रहा है, तो इसको क्या बचाने की जरूरत है ब्रो? इससे हमें बचने की जरूरत है एक्चुअली। बट गाइस इस बंदे की जो स्माइल है ना, ये यहाँ पर पर्पल कलर की, मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है ये हमारे होगलाला की तरह कोई और एंटिटी हो सकती है, जिसको होगलाला को सेव करना आई गेस। पर ये जगह कौन सी यार? यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है डार्क कैसल, ओके इस जगह का नाम है डार्क कैसल, और मेरे घर के अंदर मतलब इतने टाइम से लेकर यहाँ पर एक डार्क कैसल बना हुआ है। सीरियस ये पता नहीं क्या है। अरे वहां पर एक चेस्ट रखी हुई है ब्रो पीछे, और मे बी चेस्ट के अंदर कुछ हमें मिलता। ओ जो मुझे हिंट चाहिए वो इस चेस्ट के अंदर मुझे मिल सकता है, तो चल मेरे भाई, चल यहाँ पे। ओ नो, यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही हो रहा है गाइस, मैं यहाँ पे कोई भी ब्लॉक प्लेस नीचे कर नहीं सकता। देखो यहाँ पे ना ही मैं यहाँ पे पानी को प्लेस कर पा रहा हूँ नीचे से, ना राइट क्लिक ना लेफ्ट क्लिक। ओ माय गॉड, ओके मुझे यहाँ पर गाइस कोई ना कोई यहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व करनी है जिससे मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। ओके This is very interesting, and वहां पर अभी जस्ट एक स्लाइम आया वहां पे। How the hell is this possible, man? ओ भाई मेरे, क्या कर रहा है तू यहाँ पे, निकल जाए यहाँ से। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने कभी भी मेरे कैसे के नीचे जो ये समुद्र है ना, मुझे कैसे हमेशा से ये समुद्र ना यहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस लगता रहा, मैंने कभी चेक ही नहीं किया इसको आज तक, कभी भी नहीं किया जिंदगी में चेक। एंड यहाँ पर कुछ अलग ही लिखा हुआ है, होगा लाला सेव अस, एंड वहां पर भी कुछ लिखा हुआ है सेव हिम। क्या मतलब ब्रो इस चीज का? होगा लाला इज बेस्ट, वी वोट फॉर होगा लाला। ब्रो यहाँ पर क्या कोई असेंबली चल रही थी क्या? और मे बी ये जो कैसल यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है ना, ये वाला कैसल डार्क कैसल, यहाँ पर बहुत पहले कोई वोटिंग वगैरह हुई होगी जिसके अंदर आई गेस होगा लाला को वोट देने की बात हो रही है। ब्रो ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात हो चुकी है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है मेरे को यहाँ पे ना ड्रीम बॉय को बुलाना पड़ेगा, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं ड्रीम बॉय को बुलाता हूँ एक बार जरा। ड्रीम बॉय जल्दी हो, सुनो मैं आपको कुछ भाई सच वाले बताओ, आपने कोड फिगर आउट किया? अरे नहीं भाई, मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल। क्या कर रहे हो आप भाई, 10 मिनट से लेके लगे हो यार, मरवाओगे आप यहाँ पे हमको? ऐसा करो ना, मेरे साथ आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जल्दी आओ। मेरे को एक बहुत ही मस्त चीज मिली है ब्रो,
मेरे कैसल के नीचे, देख रहे यहाँ पे मेरे कैसल के नीचे, भाई मेरे कैसल के नीचे एक अलग ही दुनिया है। जाओ एक बार नीचे आप, जाओ जाओ एक बार आप देखो नीचे क्या है यहाँ पे। What the hell? ये तो पूरा एक पूरा कैसल है ना, एकदम मस्त। अरे कैसल है नल्ला स्लाइम, इसके बालक को मारो। तेरी पकौड़े, मैं कुछ दिखा रहा हूँ बंदे को, यहाँ पे दिमाग खराब कर रहे हो। सुनो मैं आपके आपको क्या दिखाना चाहता रहा, ऊपर देखो वहाँ पे क्या है वो। ओह माय गॉड, और दूसरी साइड के लिए देखो। सुनो यही तो होगा लाला, वही तो है मेरे भाई। मेरे को पीछे पड़ा था ये नल्ला, मेरे को कुछ कंफ्यूजन है, मुझे पता नहीं क्या फीलिंग आ रही है ना। देखो एक होगा लाला ये है और एक होगा लाला वो वाला है, देख रहे हो भाई सेम ही तो है दोनों। अरे सेम कहां से, एक है दोनों में। उसके होंट देखो और उसके होंट देखो पर्पल, और एक मेन चीज सुनो मेरी बात, जिसको आप देख रहे हो उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, सेव हिम लिखा हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताओ, होगा लाला को सेव करने की जरूरत है कि हमको होगा लाला से सेव करने की जरूरत है, बताओ मेरे को जरा भाई। ये और यहाँ ये क्या लिखा है, वी वोट फॉर होगा लाला, वो ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस्ट ब्रो, इस जगह का नाम, सबसे पहले इस जगह का नाम पढ़ो आप, पीछे को क्या है, डार्क कैसल। और ये यहाँ पे मेरा जो कैसल है ऊपर, उसके नीचे ये जगह ना हमेशा से लेकर बनी हुई थी, मैंने कभी चेक ही नहीं किया आज तक। एंड मुझे पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर जो ये होगा लाला है ना, इस बंदे को भाई साहब इस दूसरे होगा लाला को बचाने का काम दिया हुआ, तभी वहाँ पे सेव हिम लिखा हुआ है। नहीं 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 भाई, क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है ये बंदा होगा लाला ही है, दोनों एक ही है ये। अरे तो नीचे सेव हिम क्यों लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है होगा लाला को बचाने की क्या जरूरत है भाई, क्या पता है पागल बना रहा हो हमें, वैसे बहुत पागल बनाता है ये। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही होगा लाला है एंड ये किसी और डायमेंशन से आया होगा एंड यहाँ पर फंस चुका है एंड नहीं 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 नहीं, बट अगर वैसा होगा तो फिर इस कैसल का कोई मतलब नहीं बनता ना। मेरे घर के नीचे जो कैसल है, ये कैसल यहाँ पे तभी है क्योंकि ये इसका घर था हमेशा से होगा लाला का। आई हैव नो आइडिया ब्रो, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब सपोज करो अगर ये इसका घर था ड्रीम बॉय पहले से लेकर, और मैं इसके घर के ऊपर अकेला रह रहा था इतने टाइम से लेकर, कितने डरावनी बात है ये। सीन है, सीन बिल्कुल डर लग रहा है। सोचो एक भूतिया घर के ऊपर आपका घर, मेरे को डर लग रहा है अभी यार सोचते हो। एक सेकंड रुको, अभी ऐसा करते ब्रो, ये है जगह मेरी हिंट वाली जगह जहाँ पर मुझे हिंट मिलनी है, सो लेट्स डू वन थिंग। अरे पर एक बार चेक करते हैं। हाँ मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया, चलिए चलिए इधर आओ। वहां पर देखो पीछे, वहां पर एक चेस्ट है। ओ माय गॉड, बट यहाँ देखो ना एक एंशिएंट डेब्रिस है। कहाँ? ओ इतना देखा नहीं अभी तक। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये एंशिएंट डेब्रिस का काम यहाँ पे क्या हो सकता है ब्रो, व्हाट द हेक? हो सकता है यहाँ पे हमें लीवर लगाना हो, ये कोई रास्ता दे हमें भाई। एग्जैक्टली, हो सकता है यहाँ पर हम लोग लीवर लगाए और यहाँ पर कोई एक सीक्रेट एंट्रेंस खुल जाए। बनाओ अभी लीवर, बनाओ फटाफट लगा। व्हाट, क्या अपनी क्राफ्टिंग टेबल नहीं लगा पा रहा? वही वही, मैंने से पहले ट्राई किया इस चीज को यार, जो भी हमारे साथ मिस्टर फलाना जी ने किया उस मेन वॉल के साथ एंड उसकी कब्र के साथ, ना ही इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना ही हम लोग यहाँ पे वाटर प्लेस। ब्रो दिस इज सो मैस्ड अप, मेरे को तो बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। इधर आओ दूसरी साइड के लिए चलते एक बार, वहां पर कुछ लिखा हुआ है। वेट, वहां पर कुछ लिखा हुआ है यार, एक सेकंड रुको, क्या है? गिव मी योर मोस्ट प्रेस, क्या मोस्ट प्रीशियस थिंग, भाई पढ़ना ही भूल गया मैं यार, क्या पढ़ू मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं कुछ यहाँ पे प्रेशियस चीज डालनी है, मेरी सबसे प्रेशियस चीज मेरे पास क्या है यहाँ पे, रुको मेरे पास यहाँ पे कुछ एमरल्ड पड़े हुए, मैं एमरल्ड डालता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है। प्रीशियस हो सबसे ज्यादा डाल दूं आपको उसके अंदर यार, हो सकता है, लेट्स सी। नहीं ऐसा नहीं हो रहा यार, अगर ऐसा तो भाई मैं घुसने के लिए तैयार हूँ, मेरे को मिस्ट्री सॉल्व करनी है यार। इसके अलावा और क्या, विदर स्केलेटन बहुत ज्यादा, विदर स्केलेटन स्कल बहुत ज्यादा प्रेशियस होते हैं। नहीं छह पड़ी है मेरे पास, प्रेशियस नहीं है ये। गोल्डन एप्पल भी 17 पड़े हुए, टोटम ऑफ अनडाइंग इज प्रेशियस ब्रो, ये ओके। एक बार आप यहां से निकलो जरा, मैं एक बार इसके यहाँ पर डालने वाला हूँ, लेट्स गो। इसको डालते कुछ होता है, कुछ हुआ आपको? कुछ हुआ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। अरे मेरा टोटम ऑफ अनडाइंग खा गए कुछ, नहीं यार ब्रो वो सबसे प्रेशियस चीज थी मेरी, अब मैं और क्या कर सकता हूँ। आपके पास है कुछ प्रेशियस चीज यहाँ पे, क्या है आपके मेरे पास? मेरे पास डायमंड्स हैं। डायमंड पकड़ाओ, यस डायमंड पकड़ाओ और मुझे देना आपके, याद हो याद हो याद हो, क्योंकि अगर आप डालोगे मुझे नहीं लगता कि ये शायद काम करेगा, बिकॉज मेरा हिंट है, मुझे बस एक चाहिए भाई, लो एक आप वापस ले जाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स गो, लेट्स गो। जय माता दी, नहीं अभी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। मेरे भाई नहीं नहीं भाई, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो होगा लाला का सीक्रेट है वो ये नेदरराइट ही है। मतलब वो नेदरराइट के टूल से
होगा लाला की ऐसी तैसी होती है। जब मेरे से होगा लाला लड़ रहा था ना, तो मैं उसे जब डायमंड की एक्स से मार रहा था, वो मुझे मार रहा था पलट के, पर नेदरराइट के टूल से, और डर के भाग रहा था 2-3 सेकंड के लिए। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं उसको नेदरराइट से मारता हूँ तो वो थोड़ा सा मतलब डरेगा, हल्का फुल्का डाउन हो जाता है कुछ वो। अरे तो एक नेदरराइट का इंगेट मेरे को दे दो, मैं डाल देता हूँ, बाकी हम लोग टूल बना देंगे, इसमें क्या ही टेंशन है, जल्दी दो भाई। बट मेरे पास एक ही है ना, मेन सीन तो यही है। अरे यार एक मिनट, यार एक क्या ही आदमी इधर भाई, भोगालाल से पहले मैं ही ठोक दूंगा इस बंदे को। भाई मैं एक आपके लिए बना के लाया और आप ऐसे कह रहे हो, इतनी टाइम में इतना ही बना पाया मैं। यार अब एक इंगित कौन लेकर आता है यार, दो नहीं लेके आ सकते थे यार, अभी मैं डाल देता, मेरा हिट मिल जाता मेरे को यार। मेरे पे टाइम कहाँ था यार, एक ही सोर्ड तो, एक ही सोर्ड के लिए लाया था मैं आपके लिए। ड्रीम बॉय मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मुझे लग रहा था कि मेरा सबसे प्रेशियस जो चीज है गाइस वो है टोटम ऑफ अनडाइंग, बट एक्चुअली इस वक्त जो हमारे लिए सबसे प्रेशियस है मेरे लिए वो नेदरराइट का इंगिट है, क्योंकि मेरे पास एक भी नेदरराइट का टूल नहीं है और इसी इंगिट के साथ में होगा लाला से लड़ सकता हूँ। सबसे प्रेशियस क्या हो गया, नेदरराइट का इंगिट। ओह माय गॉड, अब मुझे डालना पड़ेगा तो शायद से मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है हमारी। लेकिन अगर मैंने इसको वहां पे डाल दिया तो फिर हम लोग होगा लाला से कैसे लड़ेंगे। लेकिन सपोज करो अगर मैंने इसको डाला ही नहीं तो मिस्ट्री सॉल्व नहीं होगी, तो होगा लाला ऐसे भी ठोक देगा कभी ना कभी। तो आप मेरे को दो, ये मेरे को दो, मैं डाल रहा हूँ इसको। दोबारा सोच लो, ये सोचने वाली चीज है। अभी टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी दो मेरे को आप। ओके नहीं अभी कुछ नहीं कर सकते भाई, अभी एक चांस तो लेना पड़ेगा। 3-2-1 लेट्स गो। क्या हुआ, कोई कुछ लिख के आ गया नीचे यहां पे, आई सी यू गेव मी योर मोस्ट प्रेशियस थिंग सो आई गेव यू दिस। दिस मतलब ओ ड्रीमर, मेरे इन्वेंटरी में कुछ आया अभी अभी, डार्क लीवर आ गया मेरे पास, यहां देखो, यहां देखो मेरे हाथ में। एक सेकंड भाई, आपने देखा कहां से आया, ये मुझे नहीं चला पता। नहीं कुछ भी तो नहीं था। Let's go, यही तो है। चेक करता हूँ मेरे पास तो, यही तो है। आपका कुछ है क्या? मेरे पास कुछ नहीं है, वैसे की वैसी इन्वेंटरी मेरी। और आपको तो पता है ना हम किसको कहाँ पे लगाना, ड्रीम बॉय? Yes, ancient debris के इधर। बट एक बात बताओ, यहाँ पे हम कुछ प्लेस तो कर ही नहीं सकते हैं। What the hell? सुनो, अब हो सकता है कि इसको फ्लिक करते यहाँ पर कुछ ऐसा कांड हो जाए, हम दोनों मर जाओ और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन ना कर पाए। आप ऐसा करो, दूर जाओ पहले एक बार, दूर जाओ। अगर यहाँ पर कुछ धमाका होता है और मैं मरता हूँ तो एटलीस्ट एक बंदा यहाँ पे जिंदा रहना चाहिए हिमलैंड्स के अंदर, जो यू नो वीडियोस वगैरह बना सके भाई, है ना। तो आपको अकेला ही करना पड़ेगा ब्रो, सीरियसली मैन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, होगा लाले पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा करो, इस पानी के ऊपर चढ़ के जाओ, ऊपर जाओ टॉप में पानी के बीच, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट का कम असर पड़ता है ना। मैं ऊपर जाओ बस, और वहीं पे रहो, वहां से देखते रहो, ठीक है भाई? जी भाई, यार एकदम जी भाई, बिल्कुल रेडी। 2-1 लेट्स गो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे अपने पीछे देखो भाई, वहां से पानी गिर रहा है। ओ यस, ड्रीम बॉय हमारा काम हो चुका है, वहां पे देखो अब हम लोग, अच्छा अब हम लोग फाइनली वहां पर, अरे इधर आओ भाई साहब, हम लोग पानी के थ्रू इस चेस्ट को यू नो खोल सकते हैं यहाँ पे। लेट्स गो, यही तो था पीस हमारा जो मिसिंग था। और यहाँ से मैं इसको ऊपर से आई गेस कर सकता हूँ क्या? देखो यस, इसमें क्या है? इसके अंदर पेपर लिखा हुआ है भाई, इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए। रुको एक सेकंड, 1307 6590 भाई, ये कोऑर्डिनेट है, आप इसको देखो जरा एक बारी। एक सेकंड, लेट मी चेक। आपके पास आ गया यार, मेरे पास आ गया। लो देखो इसको एक बारी और चलो यहाँ से बाहर, लेट्स गो। 1307 6590 कुछ नहीं करना, हमको बस इस कोऑर्डिनेट तक जाना है, हमारा काम हो जाएगा। क्या लगता है आपको वहां पर हमें क्या मिल सकता है? आई डोंट नो भाई, ये कौन मारा बे नल्ले? ओए आपके वहां हमला हुआ क्या बेबी? निकलो यहाँ से बाहर, होगा लाल तो नहीं आ गया? मेरे को ऐसा लगा मेरे को किसी ने मारा अभी। निकलो 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 निकलो, कोड हमको मिल चुका है, अब हम लोगों को इस कोऑर्डिनेट पे जाना है, लेट्स गो। भाई ये कितना खतरनाक है, आपके कैसल के नीचे, और आपको पता भी नहीं था भाई साहब। भाई एकदम से फटा, इससे पहले मैं तो जैसे यहाँ पे गेड़िया मार रहा था। बर्फ के नीचे फंस गया। कोड खोलो जल्दी, मैं नहर पर नजर मार रहा हूँ जी भाई। जी भाई, आसपास होगा लाला होना नहीं चाहिए यहाँ पे भाई साहब, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कर रहा हूँ, ऊपर देखो, ऊपर देखो अपने, बंदा इधर भी आ गया। निकल 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 निकल, ये सही है नीचे, नहीं ये गाइस ये फिसल लगे वही करने, नहीं 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 होगा लाला, नहीं होगा, ये क्या कर रहे हैं ये बंदा, भाई ये बंदा कम से कम एक लाख ब्लॉक ऊपर जंप मार रहा है यार, निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो, कहाँ हो ड्रीम बॉय? ड्रीम बॉय इसके हाथ में आ रहा, ड्रीम बॉय प्लीज मरना मत, ड्रीम बॉय प्लीज मरना मत, ड्रीम बॉय टूल से मारो इधर, नेदरराइट आपके ऊपर है, मारो उसको थोड़ा सा जल्दी, टच करो इसको नेदरराइट, जल्दी कर दे, भाग रहा है नल्ला, भाग भाग नल्ले, भाग नहीं रहा है बंदा। आप क्या बोल रहे हो भाई, मुझे लगता है आपकी मिस्ट्री को काम कर रही, नहीं भाग रहा बंदा, काम करेगी देखना, अभी क्या कर रही है, मेरे को बचाओ ड्रीम बॉय, मेरे को बचाओ, कोई नेदरराइट पड़ा हुआ है, या तो मेरे को नेदरराइट दो, मैं करता हूं जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरी सोर्ड
वो नहीं ना ऊपर जल्दी मेरी वाली आप पकड़ो ओके मेरे शॉट लाओ जल्दी अरे मेरे को एक शॉट दे दो क्या करता है भागता है कि नहीं भागता कुछ भी हो जाए प्लीज इस कोड को फिगर आउट करो प्लीज मैं कर रहा हूँ आप बस उलझा के रखो प्लीज देख लिया सब इसको टच करते पक्का ही भाग जाता है पक्का आपको फायर भाई मैं इसको टच ही नहीं कर सकता भाई आपको पता है क्यों क्योंकि ये बंदा मेरे को उड़ा के फेंक देता है 50 ब्लॉक कम से कम नॉक बैक की वजह से ओह माय गॉड एक कोड़े से दूसरे कोड़े पे रुको अभी मेरे को ना एम एकदम बढ़िया रखना पड़ेगा भाई इसको तो डैमेज पड़ रहा है लिटरली डैमेज पड़ रहा है इसको लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ये भाग रहा होगा ना ओह माय भाई सुनो एक्चुअली ये डरता है नेदरराइट से लेकिन ये बंदा मेरे को ना मैं इसको टच नहीं कर पा रहा हूं मैं पानी के बीच लेके जाऊंगा इसको पानी के बीच इसकी कोई कमजोरी है कि नहीं है I don't think भाई ये नल्ला भाई इधर आ गया है ये जल्दी करो प्लीज भाग रहा पानी के नीचे भाग रहा है बंदा मतलब पानी भी इसकी कमजोरी है क्या कह रहे हो हो सकता अरे सुनो आपके पास आ रहा है भागो जल्दी इधर आ गया नल्ला ब्रो ये बंदा कितनी हाइट तक उछलता है भागो जल्दी इधर आओ मेरे पास आओ किधर हो किधर हो आ गया सेंटर में साथ रहेंगे ना तो दोनों में से एक को भी मार लो डरेगा भी क्या आप बेटे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है मेरे को ओ माय गॉड किधर हो हाँ कोड से बचो कोड को कितने बच्चे कोड भाई साहब कितने बच्चे कोड यार मुझे नो आइडिया अभी बहुत बच रहे हैं भीम बॉय आपके पास आ रही है मेरे को दिखा भी जल्दी जल्दी सेंटर के साइड जाने नहीं दे रहा है मेरे को भाई भाई आप मरना नहीं कुछ भी हो जाए सुनो सेंटर पे जाओ और एक टावर बनाओ जल्दी ऊपर के लिए मैं ऊपर अब मिलूंगा आपको जल्दी मैं ब्लॉक्स निकाल रहा हूँ मेरा ब्लॉक रुको मैं इसको थोड़ा सा टच करूंगा भागेगा भी रुको आप टावर पे चढ़े रहो आपको मरना नहीं कुछ और छुपे रहो टावर के ऊपर एक बेस बनाओ चार ब्लॉक है 5-6 ब्लॉक है जितना का बना सकते जल्दी मैं यहाँ पर ब्लॉक्स निकाल रहा हूँ और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि होगा लाल कहाँ है सर आई हैव नो आइडिया मैन मैं जितने ब्लॉक्स निकाल सकता हूँ मैं निकाल रहा हूँ अपने लिए भाई मैंने ऑप्टिफाइन वाला सीध बनाया हुआ था सीरियसली मैन अरे मुर्गियों वहां पर फंसी हुई है मुर्गियां नो रुको होगा लाला थोड़ा सा इसको डैमेज करना पड़ता है डर के मारे भाग जाता है नाइस भाई ये एक्चुअली भागता है 2 या 3 बारी के लिए मेरे पीछे तो नहीं आ गया ना ओ माय गॉड ये बहुत फास्ट है जल्दी आ जाओ स्मार्टी भाई ऊपर देखो ना बच गया भाई गॉड मैं बच गया ओ माय गॉड कहां हो आप ऊपर देखो ऊपर देखो मैं ऊपर आ रहा हूं इसको थोड़ा सा बैक मार के नीचे मत गिरो ना भाई ड्रीम बॉय आपने मेरे को भी ऐसा हार्ट अटैक दिया जो होगा लाने भी नहीं दिया आज तक मेरे को यार क्या जल्दी आ जाओ अरे पानी से मत जाओ पानी लगा के रखो मेरे ऊपर ऐसे पानी लगाओ मेरे जल्दी जल्दी अरे मेरा एरो मेरे पर वापस लग रहा है लगा देना शाबाश ठीक है पानी उठा भाई ब्लॉक भी लगा दिया होगा लाला मारे नीचे इसको नीचे गिराओ प्लीज नॉक नल्ले मैंने क्राउच दबा के रहो प्लीज सुनो आपके वो पड़ी है कुछ आयरन है ना मेरे पे आयरन है सुनो एक एनविल बनाओ जल्दी ओके बनाता हूँ कैसे देख रहा है ये भाई साहब अगर 4 ब्लॉक लगा दे ना ड्रीम बॉय मेरी आप एनविल बनाओ ना क्या करो बना रहा हूँ मेरे भाई बना रहा हूँ टाइम लगता है पता है ना कैसे बनती है भाई मेरे पास वो नहीं है तो बस मैं ही बना ये हमारे बहुत नजदीक है सुनो हमारे नीचे के ब्लॉक तोड़ सकता है ध्यान देना आपने प्लीज आ गया ऊपर चलो माय गॉड हमारे बहुत नजदीक आ गए ड्रीम बॉय आपको मार देगा ये जल्दी रुको मैं एनविल बना के आऊंगा चाहे कुछ हो जाए जल्दी अरे आ गया नीचे लगा पिछाड़े यस उसको मैंने क्या ही मस्त वो दिया मेरे को यहां पे नाइस एनविल आजा मेरे इस पे अभी देखो यहां पे अरे मेरी मेरा पानी खत्म हो गया ब्रो ऐसा मत करो प्लीज कहां है ये ऊपर आ रहे बेटे तेरी ऐसे के कैसे काउंट के चला गया ओ माय गॉड वाटर बकेट के लिए तैयार रहना पॉल हाथ में निकाल के रखो
कुछ भी हो जाए अभी मेरे और आपकी लग सकते ढंग से। जी ठीक है ना। अरे कितना ऊपर जाओगे और तेरी ऐसी की तैसी, लेट्स गो। मरेगा कि नहीं मरेगा? नल्ले उगलाला। कुछ भी नहीं हुआ इस बंदे को यार। ये बंदा खत्म। मेरी हैंडविल के बुरे हाल हो गए यहाँ पे। इस बंदे को कुछ नहीं हुआ। जी बस सुनो, मैंने उसके यहाँ पे एरो से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता हूँ आपका काम। क्या सुनो मेरी बात, जितने मर्जी कोड्स आप ट्राई कर सकते हो प्लीज ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो भाई। ये बंदा बहुत इसको मैं जैसे अभी यहाँ पे नॉकबैक मारूंगा आपका काम। यस पर गलत डायरेक्शन में चला गया। रुको अभी मैं जाना, आपको पेल देगा अभी। या मेरी बात सुनो, मेरे कुत्ते फेस वाला घर है उसके बैक साइड पे पॉल मार के जाओ जल्दी। और सुनो कुछ भी हो जाए आपको एक कोड फिगर आउट करने का, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। इसको नहीं पता अभी, आप जान जल्दी जाओ ना। निकल तो गया भाई, निकल गया। ओ मैं बच गया भाई। नल्ले हूं, मेरे पास 10 ब्लॉक बचे हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता हूं और देन उसके बाद आपको मैं ज्यादा ज्यादा 5 मिनट दे सकता हूं। ये कुल जागे, जल्दी मौत है हमारे सामने, जल्दी प्लीज। ओ माय गॉड, करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। इसने मुझे नीचे गिरा दिया है। मैं इसके गेड़े में आ चुका हूं, मैं पानी के बीच जा रहा हूं। पानी के बीच शायद से तेज नहीं भाग सकता जितना मुझे लग रहा है। ओके आई हैव नो आईडिया मेरे पीछे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कितने भाई, क्या हुआ, कुछ किया, खुला भाई? अभी मैं 4 कर चुका हूं ट्राई, अभी मेरे को और करने दो, मेरे को थोड़ा टाइम दो। ओके करो कम। ओ माय गॉड, इसको कैसे पता चलता मैं किस साइड के लिए जा रहा हूं यार ड्रीम बॉय। इसको मैं हल्का सा टच करता हूं। नो पानी के बीच नहीं हो रहा, ये पानी के बीच डरेगा नहीं क्योंकि इसको पानी के बीच आग नहीं लग रही है। पर ये बंदा लावा से जलता नहीं है। आई हैव नो आईडिया, आई हैव नो आईडिया ब्रो, क्या ही मायावी इंसान है ये। अरे आगे मेरे पास आगे पीछे। ड्रीम बॉय एक अच्छी बात हो गई है, ये मेरे को पानी से बाहर निकलने नहीं दे रहा है। मतलब तो पानी से बाहर निकल, आपके पास टाइम है, मतलब अभी कोड को फिगर आउट करो, कुछ हो जाए बस मैं यहां पे मरूं ना। जय माता दी प्लीज। फिर शब्द आ गया तो गला ना, प्लीज रुक जाए यार, प्लीज यार, प्लीज भाई, प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके कहां ये? ओके ट्राई कर, ट्राई कर, ट्राई कर भाई, होने वाला है स्मार्टी भाई। मैं आ गया, आ गया, आ गया भाई। मैं कितना बचा आपका, कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा? जल्दी आओ, मेरे पास सिर्फ 2 पॉसिबल पासवर्ड्स हैं, इनमें से पक्का कोई एक खुलने वाला है, आई एम श्योर। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मेरे पीछे पीछे होगा लाला आ गया सपोज करो, और आपने उस गेट को खोल दिया तो वो भी बाहर निकल जाएगा। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी ठुकने वाले हो। आप ऐसा करो, आपको वो पर एक सेकंड को वो कोड किसके पास है, वो वाला वो कोऑर्डिनेट वाला मेरे पास है, वो कोड हाँ मेरे पास है। बस जाओ 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 जाओ, मेरे को अकेला छोड़ो, जाओ जाओ। मैं आपके बिना नहीं जा सकता स्मार्टी भाई। अरे मेरी बात सुनो, दोनों मर जाएंगे, उससे बढ़िया आप वापस जाओ, पता करो कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप जाके पता करो प्लीज। अभी यहाँ पे देखो, अभी टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है जल्दी जाओ जल्दी जाओ। भाई डरा रहा है बंदा। ओए खुल गया दरवाजा, खुल गया। यस भागो 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 भागो, तेज भागो तेज भागो, तेज भागो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हो गया लाला आपके साथ आ रहा है, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो, गेट बंद करो जल्दी। बाय गॉड, भगवान के सब इसको आवाज सुनाई दे चुकी है, आपके पास आ रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। और मैं फंस चुका यहाँ पे, मैं अपना काम करने वाला हूँ यहाँ पे, लेट्स गो भाई। निकल गया बस, मैं बहुत दूर आ गया हूँ बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही चाहिए, यही चाहिए हमें ब्रो, यही चाहिए हमें। अभी ये गेट क्या, आप भाग जाओ बस, ठीक है ना, आप भाग जाओ बस। आपका काम है कुछ भी जाए इस बंदे के हाथ में नहीं आना, ठीक है ना, मेरी बात सुन रहे हो ना? Yes. आपको इसके हाथ में नहीं आना कुछ भी जाए, ठीक है? और मैं भी यहाँ पर अभी जुगाड़ करके एक्चुअली छुप चुका हूँ। पर एक बात बताओ, आप छुपे किधर हो? नहीं मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है कि जो होगा लाला ना ये मेरी बातें सुन पा रहा है, पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। मतलब ये हमारी बातें सुन रहा है नल्ला, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है।
था भैया। हेलो साइड, अरे साइड हो जा भाई तू साइड। और गाइस मैंने अभी यहाँ पर क्या किया हुआ है ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जो ये होगा लाला ना, ये हमारी बातें सुन पा रहा है। मतलब आई हैव नो आइडिया कैसे, पर एक सेकंड का छुपने तो पहले बात करने से पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो ये बंदा है ना, ये हमारी बातें सुन पा रहा है थ्रू आवर माइक्स। बल्कि हमारे साथ वॉइस चैट पे नहीं था बैठा मेरे और ड्रीम बॉय के साथ, स्टिल ये बंदा हमारी बातें सुन पा रहा है। तो मैंने अभी गाइस क्या किया कि मैं अपना पूरा का पूरा जो वॉइस कनेक्ट जो अभी तुम लोग सुन रहे हो, ये मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है ताकि मैं एटलीस्ट चुप ना रहूं, तुम लोगों से बातचीत तो कर सकूं मैं। अभी मुझे लग रहा है ये बंदा मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड अ मैन हंट। ये बंदा मेरे को जान से मारने की कोशिश कर रहा है इस वर्ल्ड के अंदर। ये है असली मैन हंट यहाँ पे। आई हैव नो आइडिया कि ये बंदा अभी कहाँ पर है। अगर से मुझे अभी देख लेना तो भाई दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे बहुत बड़ी यार। ओके वहां पर है। ओ माय गॉड, ये मेन गेट के पास है। रुको 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 रुको। अगर मेरे पास एक प्लान है गाइस यार। अगर अभी इस बंदे ने यहाँ पर गेट को खोल दिया और मैं इसके पीछे पीछे गेट से बाहर निकल गया, तो गाइस मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक इकलौता चांस यही वाला बचा हुआ है। बिकॉज मान के चलो ये निकल गया, ड्रीम बॉय तो उस लोकेशन तक पहुंच गया होगा, एंड आई गेस अब इसको लग चुका पता होगा लड़को कि स्मार्टी बॉय इसके हाथ नहीं आने वाला है। ये जाएगा ड्रीम बॉय के लिए शायद से। ब्रो ये बंदा वहीं पे है ना पक्का? वहीं है। तो या तो फिर मैं रिस्क ले सकता हूँ उसके पीछे पीछे जाने का। और ऊपर उछल रहा है, मुझे देख लेगा। नहीं, थोड़ा नीचे घुस भाई। ब्रो ये बंदा ना एक्चुअली इस दीवार के ऊपर से छलांग मारने की कोशिश कर रहा है, बट ये छलांग नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता दीवार के ऊपर छलांग। ओके तो ये यहाँ पर शायद से देखो वहां पर कोर्ट खोलने की कोशिश कर रहा है। लेट्स गो। खोल दिया उसने गेट। उछला गया, बाहर चला गया भाई। प्लीज बंद हो तू। अरे उछल के चला गया बंदा, मैंने देखा इसको। अरे मैं नहीं, प्लीज लेट्स गो, तेज भाग। ओके दरवाजा हमारा फाइनली खुला। ओ माय गॉड कितना तेज भाग रहा है ये बंदा ड्रीम बॉय। और ये अब ड्रीम बॉय मेरी आवाज नहीं सुन पाएगा भाई, पता नहीं क्या ही हो रहा है सर्वर के अंदर। एंड अभी ड्रीम बॉय के यहाँ पे शामत आ चुके हैं, मैं तुम लोगों को लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ मैं तुम लोगों को।